गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर सुखी यादव। कृष्णा मैग्नेट माइंड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज ये वीडियो सेगमेंट्स के इस इंपॉर्टेंट कड़ी में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट एड एंड हेल्थ, प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य, जो कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में सभी स्नातक के प्रथम वर्ष, चाहे वो बीए हो, चाहे वो बीएससी, चाहे वो बीकॉम के हों, स्नातक प्रथम वर्ष के सभी बच्चों के लिए करीब करीब ये अनिवार्य एक विषय बनाया गया है जो को करिकुलर कोर्स के नाम से जाना जाता है। तो हम अभी तक हिंदी में ये वीडियो बना रहे थे क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का ये सुझाव था कि सर हिंदी में बनाएं क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादा समझ नहीं आता है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हिंदी मीडियम के हैं। लेकिन कमेंट बॉक्स में कुछ बच्चों का सुझाव ये भी आया कि सर इंग्लिश में बनाइए क्योंकि हम बीएससी के स्टूडेंट हैं। तो हम अब दोनों रूप से बनाएंगे, इंग्लिश में भी हिंदी में, अर्थात बाइलिंगुअल बनाएंगे। तो अगर किसी प्रकार का कोई कमेंट सुझाव हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख दिया करें, जिससे हम आपके जो समस्या है उसका समाधान कर सकें। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो सेगमेंट्स को और देखते हैं इसमें क्या है कुछ खास। सबसे पहले हम फर्स्ट एड के डेफिनेशन को देख लेते हैं। फर्स्ट एड है क्या, प्राथमिक चिकित्सा कहते किसे हैं? तो फर्स्ट एड इज द फर्स्ट असिस्टेंस एड ट्रीटमेंट गिवन टू द पेशेंट्स इन एन इमरजेंसी सिचुएशन बिफोर फॉर्मल एंड अप्रोप्रिएट मेडिकल हेल्प इज अवेलेबल। फर्स्ट एड एक ऐसा प्राथमिक चिकित्सा होता है, एक प्राथमिक उपचार होता है जो हम किसी सिक पर्सन को, किसी ऐसे गंभीर पेशेंट को, किसी गंभीर आदमी को जो कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जो कहीं बीमार पड़ा हुआ है, ऐसे पेशेंट को देते हैं। तब तक देते हैं जब तक कोई बिल्कुल प्रशिक्षित मेडिकल या पैरामेडिकल स्टाफ नहीं आ जाता। तो फर्स्ट एड जो प्राथमिक चिकित्सा है, एक ट्रेंड फर्स्ट एडर द्वारा, एक ऐसे प्राथमिक चिकित्सक द्वारा, एक ऐसे ट्रेंड फर्स्ट एडर द्वारा दिया जाने वाला वो उपचार है, वो प्राथमिक उपचार है जो किसी भी पेशेंट को उसके गंभीर अवस्था से रिकवरी कराता है, बाहर निकालता है, उसको इलाज देता है, उसको आराम पहुंचाता है, वो तब तक जब तक कि उसको कोई ट्रेंड मेडिकल या पैरामेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती है, है ना। जैसा कि आप देखे हैं कि कोई आदमी कहीं, अगर आप आते जाते कहीं देखे होंगे कि सड़क पर एकाएक दुर्घटना हो जाता है, कोई आदमी बर्निंग में आ गया, जल गया है, कोई आदमी कहीं डूब रहा है, तो इस परिस्थिति में जब तक वहाँ डॉक्टर नहीं पहुँच जाता है तब तक अगर आपके पास स्किलिंग है, आपके पास नॉलेज है, आपके अंदर तजुर्बा है, तो आप उस पेशेंट का हो सकता है कि प्राथमिक उपचार के रूप उसका भरसक प्रयास करें कि उसका जान बचाएँ, उसके जान जोखिम जाने से बचाएँ, अर्थात उसको किसी प्रकार का कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स न होने पाए, उसका जान जाए ना, जोखिम में ना पहुँचे। इससे पहले आपको जो कुछ भी आपके पास स्किलिंग है, आपके पास नॉलेज है, उसका पूरा प्रयोग करते हुए उसका इलाज करें। यही कहा गया फर्स्ट एड इज द क्या है, फर्स्ट एड इज द फर्स्ट असिस्टेंस आर एड आर ट्रीटमेंट गिवन टू द पेशेंट इन एन इमरजेंसी सिचुएशन बिफोर फॉर्मल एंड अप्रोप्रिएट मेडिकल हेल्प इज अवेलेबल। जब तक कोई फॉर्मल या अप्रोप्रिएट मेडिकल व्यवस्था नहीं दी जाती तब तक आप उस पेशेंट का जो प्राथमिक उपचार करते हैं उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं, है ना। एनी ट्रेंड पर्सन आर पैरामेडिकल स्टाफ्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कैन रेंडर फर्स्ट एड सर्विसेज। कोई भी ट्रेंड पर्सन, कोई भी पैरामेडिकल स्टाफ्स जिसको फर्स्ट एड के विषय में नॉलेज है, जो थोड़ी सी जानकारी रखता है, वो किसी भी सिक पर्सन को, किसी भी गंभीर आदमी को, किसी भी गंभीर पेशेंट को फर्स्ट एड सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, है ना। तो फर्स्ट एड प्रोवाइड कौन कर सकता है, एक ट्रेंड फर्स्ट एडर के रूप में। अगर किसी आदमी को अच्छा नॉलेज है, अच्छी स्किलिंग है कि छोटी मोटी बीमारियों को रिकवर कर सकता है, अगर कोई इमीडिएट एक्सीडेंट हो गया है उसको रिकवर कर सकता है, तो ऐसा आदमी या कोई ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ्स फर्स्ट एड के रूप में काम कर सकता है अगर उसको नॉलेज है तो। अगला क्या है, एन एम्बुलेंस मस्ट आल्सो बी स्टेशनड एट अ वर्क प्लेस टू ट्रैक एन इमरजेंसी सिचुएशन। आपकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि दुर्घटनाग्रस्त स्थान पर, जहाँ दुर्घटना हुआ है, जहाँ पेशेंट बीमार पड़ा हुआ है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश करना चाहिए कि उसी वर्क प्लेस पर, उसी साइट पर एम्बुलेंस की व्यवस्था प्रोवाइड की जाए। तो आप अगर वहाँ फर्स्ट एड दे रहे हैं तो आपकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि या तो आपके पास में जुटी हुई अगर भीड़ है, कुछ लोग गैदरिंग किए हुए हैं, तो उनसे आप हेल्प ले सकते हैं और उनको एक इमरजेंसी सिचुएशन के रूप में, एक इमरजेंसी अवस्था में एम्बुलेंस प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे, एम्बुलेंस। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि पेशेंट का जो तबीयत हो बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकता है, वो उसकी जान जोखिम में जा सकती है, इसके लिए आप एम्बुलेंस की व्यवस्था करके उसको ट्रेन पैरामेडिकल या किसी हॉस्पिटल में आप उसको एडमिट कराएंगे जिससे उसकी जो इलाज है वो सुचारू रूप से चल सके, है ना। आइए बात करते हैं पर्पज ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के क्या उद्देश्य होते हैं, क्या पर्पज है ना। बात करते हैं
The primary functions of giving first aids is to sustain the life of the person before the arrival of a qualified medical experts. आपके जो primary functions होते हैं अर्थात first aid जो प्राथमिक चिकित्सा का जो first कार्य होता है, पहला कार्य होता है, ये क्या होता है? Giving first aid to the sustains the life of a person. अर्थात जो patient गंभीर अवस्था में पड़ा हुआ है उसके life को बचाना, उसकी जान को बचाना हमारा पहला कर्तव्य होता है. तो हमारा पहला moral responsibility क्या होता है कि उस patient का जान किसी भी कीमत पर आप क्या करिए, बचाइए, सस्टेन. कब तक? बिफोर द अराइवल ऑफ अ क्वालिफाइड मेडिकल एक्सपर्ट. जब तक कोई क्वालिफाइड मेडिकल एक्सपर्ट नहीं आ जाता, जब तक कोई मेडिकल या पैरामेडिकल स्टाफ क्वालिफाइड अगर जब तक नहीं आ जाता, तब तक आपका यह मॉरल रिस्पांसिबिलिटी होता है कि आप पेशेंट के पास रहें, उसके तबीयत का आप उसको उसके तबीयत को आप देखें, क्या गड़बड़ है, क्या सही हो रहा है, अर्थात उसका आप देख रेख करते रहेंगे और उसको जितना आपके पास स्किलिंग है, जितना आपके पास नॉलेज है, उसका प्रयोग करते हुए उसको फर्स्ट एड आप देते रहेंगे. रिड्यूस हर हिज डिस्कम्फर्ट्स ड्यू टू पेन. अर्थात पेन की वजह से उसके अंदर जो पीड़ा है, जो वो करा रहा है, जो उसके अंदर तकलीफ है, उस तकलीफ को आपको क्या करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है. ऐसी कोई जो आपके पास स्किलिंग है, उस स्किलिंग का प्रयोग करते हुए उसके पीड़ा को आप रिड्यूस करें, है ना, उसके अंदर जो दर्द हो रहा है उसको रिड्यूस करें. हेल्प इन अर्ली रिकवरी एंड प्रिवेंट हर हिज कंडीशंस फ्रॉम द वर्सिंग. अर्थात उस पेशेंट का आप सहायता करें, उसकी रिकवरी करें और उसके तबीयत में और ज़्यादा खराबी ना आने पाए, और ज़्यादा गड़बड़ ना होने पाए, उसको उसी पर आप रोके रखेंगे कि उसकी तबीयत जहाँ बना हुआ है, अगर आप रिकवरी नहीं हो सकती तो आप उसको वहीं पर रोकने की कोशिश करिए, उससे ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब ना होने पाए, अर्थात वर्सिंग ना हो और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो. तो अर्थात आपको ये करना है कि उसके तबीयत को आपको रिड्यूस करना है. अगर रिड्यूस नहीं हो पाता है तो उसको उसी कंडीशन में रखना है, इससे ज़्यादा ख़राब स्थिति न पैदा होने पाए, अर्थात उसी पर आपको प्रिवेंट करना है. यही लिखा गया है, हेल्प इन अर्ली की रिकवरी एंड प्रिवेंट हर. अर्थात उसकी अर्ली रिकवरी को आपको बनाए रखना है और उसके कंडीशन को और ख़राब ना हो जाए, उस कंडीशन पर आपको रोके रखना है, अर्थात उसकी तबीयत और ख़राब ना होने पाए, है ना, इस कंडीशन को आपको ध्यान में देना है. आइए बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ द फर्स्ट एड. फर्स्ट एड के क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या सिद्धांत हैं, किस सिद्धांत पर हमारा प्राथमिक चिकित्सा काम करता है. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्स्ट एड समराइज्ड एज अ थ्री पीस. जो हमारा मुख्य ऑब्जेक्टिव्स होता है बच्चों, वो थ्री पीस के रूप में जाना जाता है. अर्थात जो इसके फंक्शंस होते हैं, जो इसके प्रिंसिपल्स होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, उनको हम थ्री पी से डिनोट करते हैं. आइए देखते हैं थ्री पी का क्या मतलब होता है, पी 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 का क्या मतलब होता है. सबसे पहला होता है पी फॉर प्रिजर्व लाइफ. आप किसी पेशेंट के लाइफ को प्रिजर्व करिए, सुरक्षित करिए, संरक्षित करिए, अर्थात उसकी जान जोखिम में जाने ना पाए. आइए बात करते हैं, डिस्कस करते हैं इसके विषय में, किसके विषय में, प्रिजर्व लाइफ क्या होता है. द ओवर राइडिंग एव ऑफ ऑल मेडिकल केयर दैट इंक्लूड्स फर्स्ट एड्स टू सेव लाइफ एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेथ. अर्थात जो हमारी पहली मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, अर्थात प्रिजर्व लाइफ के रूप में, कि उस पेशेंट्स के लाइफ को हम सेव करें, क्या करें, उसकी लाइफ को, उसके जीवन को हम सेव रखें, उसको सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें, दैट रिड्यूस द रिस्क ऑफ द डेथ, जो उसके डेथ कवर को कर सकता है, अर्थात जिसके वजह से उसकी मौत हो सकती है, उस डेथ कवर को आपको रिड्यूस करना है, कम करना है. अर्थात उसके अंदर जो चोट लगी हुई है, जो वो गंभीर अवस्था में पड़ा हुआ है, उस अवस्था से आपको नीचे की ओर लाना है, उसको रिकवरी फेज में लाना है. ये हमारी मॉरल स्पॉन. अगर आप रिकवरी फेज में लाएंगे तब उसकी जान बच सकती है. अगर वो करा रहा है, पीड़ा बढ़ रहा है, एकाएक बढ़ता ही गया तो वो मर सकता है. इसलिए आपका सबसे पहला मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है फर्स्ट एडर के रूप में, कि आप उसके लाइफ को सेव करें, किसी भी कीमत पर आप उसकी जान को बचाएं, पहला रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है. दूसरा क्या है, इज द पेन. अब आपको पेन कम करना है. फर्स्ट एड हैज़ डन करेक्टली सो दैट द पेशेंट्स पेन लेवल्स रिड्यूस. फर्स्ट एड में क्या होता है, आपकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि पेशेंट का जो पेन है, जो दर्द है, उसको किसी कीमत पर आप कम करेंगे. कैसे कम करेंगे, आप उसको बिल्कुल आराम स्थिति में, आरामदायक स्थिति में रखेंगे, बिल्कुल ऐसे रखेंगे जिस प्रकार से जहां अगर उसको घुमाने हिलाने डुलाने से अगर पेन हो रहा है तो आप इसको बिल्कुल सुपाइन पोजिशन में या प्रोन पोजिशन में, जिस पोजिशन में उसको आराम मिले उस पोजिशन में आप उसको रखेंगे, है ना, जिससे उसके शांति महसूस हो, दर्द कम हो जाए.
तो क्या कह रहे हैं, फर्स्ट एड हैज़ डन करेक्टली सो दैट द पेशेंट्स पेन लेवल रिड्यूस एंड दे कैन कम ड्यूरिंग द इवेल्युएशन एंड ट्रीटमेंट प्रोसेस। अर्थात जब उसका ट्रीटमेंट हो रहा हो, जब उसका इवेल्युएशन हो रहा हो, डायग्नोसिस हो रहा हो, इन्वेस्टिगेशन हो रहा हो, उस समय वो बिल्कुल शांत अवस्था में पड़ा रहे, उसमें कोई पीड़ा न हो, कराहता न रहे, इस अवस्था में आपकी उसके पेन को कम करना पड़ेगा। अर्थात कहीं अगर उसको गंभीर दर्द है तो उस दर्द को आप किसी भी कीमत पर अपनी स्किलिंग का प्रयोग करते हुए, अपने नॉलेज का प्रयोग करते हुए उसको कम करेंगे। ये दूसरा एम है आपका, दूसरा पर्पज, दूसरा सिद्धांत होता है। आइए बात करते हैं अगला, प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम द वर्सिंग। अगला जो है सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो उसकी कंडीशन और ख़राब ना होने पर, इसी पर आपको प्रिवेंट करना, प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम वर्सिंग। अर्थात और ज़्यादा बदतर स्थिति ना हो जाए उसकी, इसी कंडीशन पर आपको उसको रोकना है। इंश्योर दैट द फर्स्ट एड प्रोड्यूसर्स डू नॉट वर्स द पेशेंट्स कंडीशन। आप ये इंश्योर कर लीजिए कि फर्स्ट एड की जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जो आपका सबसे बड़ा कर्तव्य होगा, ये कि पेशेंट की कंडीशन और ख़राब ना होने पाए। जिस कंडीशन पर वो है उससे आप रिड्यूस करने की कोशिश करिए, उसको आराम देने की कोशिश करिए। अगर ये नहीं हो पाता है तो कम से कम जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बना रहे, इससे ज़्यादा वर्सिंग कंडीशन ना होने पाए, इससे ज़्यादा ख़राब परिस्थिति ना बनने पाए, ख़राब अवस्था उसकी ना हो, इसी पर आपको क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। अगला क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रमोट रिकवरी। फर्स्ट एड ऑल्सो इन्वॉल्व ट्राइंग टू बिगिन द प्रोसेस ऑफ द रिकवरी फ्रॉम द इलनेस और इंजरी। आपका सबसे मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये भी होता है कि आप उसके कंडीशन को रिकवर करें। अर्थात अगर वो तकलीफ में है, उसका दिनों हर समय उसका क्या पेशेंट दर्द बढ़ रहा है, तभी तकलीफ बढ़ ही रहा है, तो आप उसको रिकवरी फेज में लाने की कोशिश करेंगे। एंड इन सम केसेस, कभी कभी कुछ स्थितियों में क्या होता है, मे इंक्लूड्स कंप्लीटिंग ट्रीटमेंट। आप कंप्लीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, किस में, सच एज द केस ऑफ द प्लास्टरिंग ओवर द स्मॉल इंजरी। अगर छोटा मोटा घाव है, छोटा मोटा इंजरी है, तो वहाँ आपको किसी मेडिकल एक्सपर्ट को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ एम्बुलेंस मंगाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ किसी पैरामेडिकल स्टाफ को मंगाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ अगर आप ट्रेंड फर्स्ट एडर हैं तो आप ही सफिशियंट हैं, आप उसका होल सोल कंप्लीट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको होल सोल कंप्लीट ट्रीटमेंट देना है तो आपके पास स्किलिंग होनी चाहिए। अगर आप एक ट्रेंड फर्स्ट एडर हैं तो आप, यही कहा गया है, मे इंक्लूड्स कंप्लीटिंग ट्रीटमेंट सच एज इन केस ऑफ द प्लास्टरिंग ओवर द स्मॉल इंजरी। अगर एक छोटी मोटी घाव है उसके शरीर पर तो उसको आप कंप्लीट रूप से खुद ही ट्रीट कर सकते हैं। तो ये तो थे एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, एक सिद्धांत जो फर्स्ट एड के होते हैं, प्राथमिक चिकित्सा के ये सिद्धांत हैं। क्या क्या सिद्धांत हैं, सबसे पहले आप पेशेंट को कंफर्टेबल स्टेज में लाएंगे, है ना, उसको एक शेल्टर प्रोवाइड करेंगे, एक सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे, फिर उसके कंडीशन को आप देखेंगे, और फिर इसके बाद उसको आरामदायक अवस्था में लिटाएंगे, उसके पेन को रिड्यूस करते हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी होता है उसके रिस्क, अर्थात उसके लाइफ को, मतलब उसकी लाइफ सेव करिए, अर्थात उसकी जो जान जोखिम में पड़ी हुई है उसको उसी पर रोकने की कोशिश करिए, और उसकी स्थिति सुधरनी चाहिए और ज़्यादा वर्सिंग कंडीशन में जाए, इसको आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ आप वहाँ रहकर आप वहाँ लोगों से रिकॉल करेंगे और उनसे बताएंगे कि भाई थोड़ा एम्बुलेंस का व्यवस्था कराइए, आप उनको इमरजेंसी 102 या 555 या 999 पर आप कॉल करा के एम्बुलेंस की व्यवस्था कराएंगे और उसको एक ट्रेंड हॉस्पिटल या पैरामेडिकल हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। आइए बात करते हैं रूल्स ऑफ फर्स्ट एड्स। फर्स्ट एड्स के क्या रूल हैं, क्या तौर तरीके हैं, किस प्रकार से हमको फर्स्ट एड करना चाहिए। सबसे पहले दिया गया चेक, आपको चेक करना चाहिए कंडीशन को क्या है। फाइंड आउट व्हाट हैज़ हैपेंड एंड व्हाट इज़ द वर्स्ट फ्रॉम द पर्सन। आपको ये पता करना होता है कि ये दुर्घटना कैसे हुई और ये पेशेंट के साथ कैसे हुआ, क्या रॉन्ग हुआ, क्या गलत हुआ उस पेशेंट के साथ और ये दुर्घटना कैसे हुई। सबसे पहले उसकी इंक्वायरी करनी है आपको, उसके इस चीज़ को देखना है कि किस कंडीशन से या किसके द्वारा ये एक्सीडेंट हुआ है, क्या कारण है, इसको आपको ज़रूर पता करना है। कंफर्ट द पेशेंट्स एंड अरेंज फॉर द शेल्टर। आप पेशेंट को कंफर्ट देंगे, उसको आराम देंगे और उसको एक सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश करेंगे, एक अच्छा शेल्टर देंगे जहाँ किसी प्रकार का कोई नॉइज़ ना हो, किसी प्रकार कोई तकलीफ ना हो, अर्थात वो एकदम आराम से लेट सके और उसके लिए एक अप्रोप्रिएट कंडीशन मिल सके। तो आपको एक अच्छा शेल्टर अरेंजमेंट करना पड़ेगा। दूसरा देखिए हम बात करते हैं काल के, अरेंज फॉर द प्रोफेशनल मेडिकल एड्स। अर्थात जब आप ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं उसी समय जब आपके आसपास के गांव के लोगों की भीड़ लगी हुई थी है तो उन लोगों को बुलाकर आपको हेल्प लेना होगा और उनसे कहना पड़ेगा भैया ये मैं नंबर दे रहा हूँ और आप हेल्पलाइन पर फ़ोन करिए जिससे एम्बुलेंस आ सके और उस पेशेंट को एक अच्छा पैरामेडिकल या मेडिकल स्टाफ मिल सके और जिससे उसकी एक अच्छी हॉस्पिटलिटी हो सके और उसका इलाज हो सके। तो आपको कॉल करना पड़ेगा इमरजेंसी कॉल पर, जैसे 102 555 999, तो इन सब हेल्पलाइन
पर आपको फ़ोन करके वहाँ से मेडिकल एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ेगा और या फिर एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आपको कॉल भी करना पड़ेगा, ठीक, अपने मोबाइल से लेकर या किसी दूसरे के हेल्प के द्वारा आपको कॉल करना, क्योंकि आप पेशेंट के ट्रीटमेंट में लगे रहे हैं तो आप लगे रहिए, किसी दूसरे आदमी से आप हेल्प ले सकते हैं। अगला, केयर, हेल्प द विक्टिम्स प्रेफरेबली विदाउट मूविंग हिम हर। देखिए, बात यह है कि आप पेशेंट जो विक्टिम है, जो गंभीर अवस्था में घायल पेशेंट है, उसका आप क्या करेंगे, उसका मदद करेंगे और बिना उसको हिलाए डुलाए, अर्थात आपको उसको मोमेंट नहीं देना है कि अगर आप हिलाएंगे डुलाएंगे तो उसको दर्द बहुत तेज़ी से होगा। आप हिलाइए डुलाइए नहीं, जितना संभव हो सकता है आप उसको बिना हिलाए डुलाए आप प्राथमिक चिकित्सा दे सकते हैं। आइए बात करते हैं हेल्थ इमरजेंसी ना, अर्थात इमरजेंसी कहते किसे हैं, आपातकालीन स्थिति होता क्या है, स्वास्थ्य में अगर आपातकालीन स्थिति में हम क्या करेंगे, आइए इसके विषय में बात करते हैं। हेल्थ इमरजेंसी इज ए सिचुएशन वेयर इन देयर इज अ डेंजर्स और रिस्क टू द हेल्थ ऑफ अ पर्सन बिकॉज ऑफ द सडन इलनेस और एक्सीडेंट। हेल्थ इमरजेंसी एक प्रकार का ऐसा सिचुएशन होता है जिसको हम डेंजर और रिस्क कहते हैं, अर्थात पेशेंट अगर रिस्क में है, उसका जान जोखिम में है, तो इस प्रकार के कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हेल्थ इमरजेंसी कहते हैं। ये इमरजेंसी कही जाती है जिसमें पेशेंट की जान जाने की जोखिम बनी हुई है, अर्थात पेशेंट मर सकता है, तो उसके इस बीमारी की अवस्था को या एक्सीडेंट की दुर्घटना की अवस्था को हम क्या कहते हैं, हेल्थ इमरजेंसी कहते हैं। एंड इमीडिएट हेल्प इज रिक्वायर्ड टू सेव अ लाइफ, और उस समय जब आपको यह पता हो गया कि यह एक इमरजेंसी हेल्थ एक हेल्थ इमरजेंसी है, उस समय आपको इमीडिएट अटेंशन द फर्स्ट एड, अर्थात आपको तुरंत हेल्प देना चाहिए, अर्थात उसके लाइफ को, उसके जान को बचाने के लिए आपको सहायता करना चाहिए। किसको, उस पेशेंट की सहायता करनी चाहिए। तो यही कहा गया, एंड इमीडिएट हेल्प इज रिक्वायर्ड टू सेव द लाइफ, अर्थात उसके जान को बचाने के लिए तुरंत उसके उसके लिए हेल्प की आवश्यकता है। आप उसको अपना जो स्किलिंग है, उसकी स्किलिंग का प्रयोग करके उसको ट्रीटमेंट दें। इमीडिएट अटेंशन एंड फर्स्ट एड मस्ट बी प्रोवाइड टू द पर्सन इन केस ऑफ द इमरजेंसी बिफोर प्रोफेशनल मेडिकल एक्सपर्ट्स अवेलेबल, अर्थात उसको तुरंत, आप ये ध्यान दीजिए कि उसको तुरंत मेडिकल फैसिलिटीज़ आने से पहले, अर्थात किसी प्रकार का कोई, जब तक मेडिकल फैसिलिटीज़, कोई प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं आ जाता, तब तक आपका ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप उसको ट्रीटमेंट दें, है ना। इमीडिएट अटेंशन एंड फर्स्ट एड मस्ट बी प्रोवाइडेड, अर्थात आपको तुरंत ध्यान देना है और प्राथमिक चिकित्सा तुरंत स्टार्ट कर देना है, जब तक कि वहाँ कोई मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं हो जाती, जब तक कि कोई एक्सपर्ट पैरा मेडिकल या मेडिकल स्टाफ नहीं आ जाता। दीज सपोर्ट्स आर सच एज परफॉर्मिंग कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टेशन वाइल स्टेइंग फॉर एन एम्बुलेंस। जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाता, अगर पेशेंट गंभीर स्थिति में है और वो सांस नहीं ले पा रहा है, उसका हार्ट बीट नहीं चल रहा है, उस समय आप अपने कौशल का प्रयोग करते हुए उसको CPR देंगे, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टेशन देंगे। क्या देंगे, CPR देंगे, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टेशन देंगे, अर्थात अगर पेशेंट का सांस नहीं चल रहा है, उसका हार्ट बीट नहीं चल रहा है, उसका पल्स रेट नहीं चल रहा है, तो उसके पल्सेस, अर्थात अब उसकी जान जोखिम में जा सकती है। तो इस अवस्था में आप उसको रिकवरी फेज में लाने के लिए आपको CPR करना होता है, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टेशन करना पड़ता है, तो आप इसको स्टार्ट करेंगे। आइए बात करते हैं CPR है क्या। CPR को हम CAB के नाम से जानते हैं। सी फॉर होता है कंप्रेशन, ए फॉर होता है एयरवे एंड बी फॉर होता है ब्रीदिंग, अर्थात उसको क्या करेंगे, आप दोनों अंगुलियां जिस प्रकार से देखें पेशेंट किया हुआ, उसके हार्ट पर जाएंगे, चेस्ट पर, और उसका जो ये देखें जो चेस्ट जो ये थोरैसिक केज होता है, थोरैसिक केज के ऊपर अपने दोनों अंगुलियों से उसको हार्ट पर क्या करेंगे, कंप्रेशन देंगे, दबाव कर देंगे। कितना, 30 कंप्रेशन आप देते हैं, कितने कंप्रेशन, 30 कंप्रेशन देंगे, और कंप्रेशन देने के बाद उसका हो सकता है कि उसका जीभ पलट गया हो, तो उसके जीभ को सही करने के लिए, अर्थात उसका एयर वे जो है, उसका सांस लेने का जो रास्ता है वो जाम हो सकता है, तो उसको क्या करेंगे, आप उसके चिन, उसके ठुड्डी को ऊपर को उठाएंगे और हेड को नीचे को टिल्ट करेंगे और अपने अंगुली की सहायता से उसके जीभ को सही करेंगे। जब उसका मुँह खुल जाएगा तो जिसको कहते हैं एयर वे साफ़ करना, और फिर आप बाद में क्या करेंगे, तीसरे सोपान में आप अपने मुंह से उसके मुंह में लॉक करके अपने मुंह से उसको ब्रीथ देंगे, सांस देंगे, ठीक, जिसको हम आर्टिफिशियल वेंटिलेशन कहते हैं। तो आपको तीन चीज़ें ध्यान देना है, पहले कंप्रेशन देना है, दूसरा उसका सांस अगर जाम हो गया, उसके एयर वे फंस गए हैं तो उसको आपको सही करना है, तीसरा अपने मुंह से उसके मुंह में लॉक करके ब्रीदिंग देना है, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देना है। तो आइए देखते हैं CPR है क्या। सी में अगर हम देखें तो यहाँ देखिए सी फॉर कंप्रेशन दिया गया। कंप्रेशन क्या होता है, कंप्रेशन पुश हार्ड एंड फास्ट ऑन द सेंटर ऑफ द विक्टिम्स चेस्ट, अर्थात उस
उस जो घायल व्यक्ति है उसके चेस्ट पर एकदम बीचों बीच सेंटर पर आप अपने हाथों के द्वारा अपनी हथेलियों की सहायता से उसको हार्ड कंप्रेशन देंगे। क्या देंगे? बिल्कुल हार्ड, पूरा दम लगा के, आपके अंदर जितना ताकत है उतना पूरा ताकत लगा के उसके हार्ट को कंप्रेस करें। कम से कम 2-3 इंच उसका जो ये थोरेसिक केज है अंदर की ओर जानी चाहिए, अर्थात उसकी पसलियाँ क्या है 2-3 इंच दबनी चाहिए। इस प्रकार से आपको फुल फोर्स लगाकर कंप्रेशन देना है। कितना कंप्रेशन देना है? 30 कंप्रेशन देना है। इसके बाद दूसरे में देखिए कहा है एयरवे, टिल्ट द विक्टिम्स हेड बैक एंड लिफ्ट द चिन टू ओपन द एयरवे, अर्थात उस विक्टिम का जो गंभीर हुआ पेशेंट है उसके हेड को क्या करना होगा, आपके हेड, उसके हेड को टिल्ट करना पड़ेगा और उसके चिन ठुड्डी को ऊपर की ओर उठाना पड़ेगा, जिससे उसका जो एयरवे ब्लॉक हुआ है वो क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। फिर तीसरे में देखिए क्या कह रहा है, पेशेंट अपने मुँह से जो फर्स्ट एडर है वो अपने मुँह से पेशेंट के मुँह में बिल्कुल लॉक करके ब्रीदिंग गिव्स माउथ टू माउथ रिस्कस ब्रीदिंग, अर्थात इसको रिस्क ब्रीदिंग कहते हैं। जब एक फर्स्ट एडर पेशेंट के मुंह में अपना सांस पूरा सांस लेगा और पूरा के पूरा सांस उसके लंग्स में उतार देगा, उसको हम क्या कहते हैं, रेस्क्यू ब्रीदिंग कहते हैं। तो ये ध्यान दीजिए कि प्रत्येक 30 कंप्रेशन पर 2 ब्रीदिंग देना होता है। 30 बार आप कंप्रेशन करेंगे फिर 2 ब्रीदिंग देंगे, फिर 30 कंप्रेशन करेंगे 2 ब्रीदिंग देंगे, 30 कंप्रेशन के बाद 2 ब्रीदिंग। तो आप याद रख लीजिए कि 30 कंप्रेशन पर 30 कंप्रेशन पर 2 ब्रीदिंग दी जाती है ना। यहाँ देखिए दिया गया है, अर्ली चेस्ट कंप्रेशन कैन इमीडिएट सर्कुलेट ऑक्सीजन दैट इज स्टिल इन द ब्लड स्ट्रीम। अगर जब बहुत जल्दी जब आप चेस्ट कंप्रेशन देने लगते हैं तो चेस्ट कंप्रेशन क्या होता है, हार्ट अपने फंक्शन में आ जाता है और जिससे ऑक्सीजन सप्लाई पूरे बॉडी में हो जाती है ब्लड स्ट्रीम के द्वारा। बाई चेंजिंग द सिक्वेंस चेस्ट कंप्रेशन आर इनिशिएटेड सूनर एंड डिलेड द वेंटिलेशन एंड डिले वेंटिलेशन शुड बी मिनिमल, अर्थात क्या होता है कि आपको कंप्रेशन देने से क्या होता है, आपको ये देना है वेंटिलेशन कम करना चाहिए, वेंटिलेशन कम होना चाहिए, कंप्रेशन ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि कंप्रेशन करने से जो हार्ट है वो अपने फंक्शन में आता है और ब्लड को सर्कुलेट करता है, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर वे में पूरे स्ट्रीम्स के द्वारा, ब्लड स्ट्रीम्स द्वारा हमारे पूरे कोशिकाओं में, सेल्स में पहुँच जाता है और आदमी क्या होता है अपने को कंफर्टेबल महसूस करता है। तो आपको ये 3 चीज़ें याद करनी होगी। CPR क्या होता है, कार्डियोपल्मोनरी रिसुसिटेशन, इसको 3 रूप से हम जानते हैं, CAB, C फॉर कंप्रेशन, A फॉर एयरवे एंड B फॉर ब्रीदिंग। आप 30 बार कंप्रेशन करेंगे, उसके मुंह में अगर किसी प्रकार का रुकावट है तो उसको आप साफ करेंगे और इसके बाद अपने मुंह से उसके मुंह में लॉक करके आपको ब्रीदिंग देना पड़ेगा, रेस्क्यू ब्रीदिंग देना पड़ेगा, जिसको हम आर्टिफिशियल वेंटिलेशन कहते हैं, और प्रत्येक 30 कंप्रेशन पर 2 ब्रीदिंग आपको देना पड़ेगा। आइए बात करते हैं द वेरियस सिचुएशन दैट रिक्वायर्स इमीडिएट मेडिकल केयर आर, अर्थात किस किस कंडीशन पर हमको मेडिकल केयर देने की ज़रूरत पड़ती है, फर्स्ट एड देने की ज़रूरत पड़ती है, वो कौन कौन से सिचुएशंस हैं, वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं जिसमें किसी पेशेंट को फर्स्ट एड देने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे इलेक्ट्रिक शॉक, अगर किसी आदमी को करंट लग गया है, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है, उस समय आपको फर्स्ट एड देने की बहुत ज़रूरत है। आप उसको फर्स्ट एड नहीं देंगे तो उसकी जान जा सकती है। अगला, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज़, अगर उसको सांस लेने में कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, तो उस समय आपको फर्स्ट एड देना चाहिए। बर्न्स, जला हुआ व्यक्ति, अगर वो जल गया है, चाहे वो पार्शियल जला हुआ, चाहे वो कंप्लीट जला हुआ हो, है ना, कितने डिग्री में जला हुआ है, अगर डीप बर्निंग है, सुपरफिशियल बर्निंग है, तो उस समय आपको फर्स्ट एड देना पड़ेगा, नहीं तो इसमें इतनी जलन होती है और ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर है वो क्या होता है, डिहाइड्रेट करके बाहर की ओर निकल जाता है, तो वाटर लॉस की वजह से पेशेंट मर सकता है। इसलिए आपको ये फर्स्ट एड प्रोवाइड करना चाहिए कि किस प्रकार से उसके अंदर की पानी उसको रिटेंस रखें और उसको हम सहायता प्रदान करें, उसकी तबीयत और ख़राब ना होने पाए, वहाँ आपको फर्स्ट एड देने की ज़रूरत पड़ती है। ब्लीडिंग, अगर एक्सेसिव खून निकल जाएगा, ब्लड निकल जाए, तो ब्लड के माध्यम से बहुत सारे पानी का एक्सेसिव लॉस हो जाता है, ब्लड के साथ पानी भी होता है, तो एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाने से, एक्सेसिव वाटर लॉस हो जाने से पेशेंट की जान जा सकती है। तो ब्लीडिंग कंडीशन अगर है, किसी आदमी का ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो रहा है, तो रक्तस्राव को रोकने के लिए आपको फर्स्ट एड करनी पड़ेगी। इंजरी, अगर कोई घाव है, चाहे वो गंभीर घाव हो चाहे कम हो, तो गंभीर अवस्था में भी या इंजरी के कंडीशन में भी आपको वहाँ फर्स्ट एड देने की ज़रूरत पड़ेगी। फ्रैक्चर, अगर किसी आदमी का बोन्स फ्रैक्चर कर गया है सड़क दुर्घटना में, या कहीं अगर बहुत ज़्यादा उसका हड्डियाँ टूट चुकी हैं, तो वहाँ आपको जाकर फर्स्ट एड देने की ज़रूरत पड़ेगी। हार्ट अटैक के केसेस में फर्स्ट एड देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कुछ ऐसे कंडीशंस हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहां आपको फर्स्ट एड देने की ज़रूरत पड़ती है। क्या क्या है? इलेक्ट्रिक शॉक, ब्रीडिंग डिफिकल्टीज, बर्न्स, जलने में ब्लीडिंग, इंजरीज, फ्रैक्चर्स एंड हार्ट अटैक, इन सब कंडीशन पर आपको फर्स्ट एड देने की ज़रूरत पड़ेगी। ये इमरजेंसी हेल्थ केयर कही जाती है, अर्थात ये हेल्थ इमरजेंसीज हैं, अर्थात ये स्वास्थ्य की आपातकालीन परिस्थितियाँ कही जाती हैं, इन परिस्थितियों में आपको फर्स्ट एड देना ज़रूरी होता है। ठीक, आइए हम देखते हैं ब्रीदिंग है क्या, किसको हम ब्रीदिंग कहते हैं।
जैसा कि मैंने कहा ना कि आपको क्या देना पड़ेगा, कंप्रेशन देना पड़ेगा, फिर एयर वेस आप करना पड़ेगा, फिर ब्रीदिंग देना पड़ेगा। तो जो हम लोग ब्रीदिंग देते हैं, सांस देते हैं, वो है क्या, सांस क्या है? तो ब्रीदिंग इज़ अ वाइटल ऑफ लाइफ। ब्रीदिंग सांस अर्थात जो सांस लेना देना होता है, अर्थात जो ब्रीदिंग होती है, सांस होती है, ये हमारे जीवन की क्या है, अर्थात एक वाइटल एक्टिविटीज़ है, अर्थात हमारे जीवन की एक मुख्य जैविक क्रिया है। क्या है? एक मुख्य जैविक क्रिया है जिसके द्वारा हम जिंदा रहते हैं। अ पर्सन ब्रीथ्स अबाउट 20,000 टाइम्स अ डे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति एक दिन में 20,000 बार सांस लेता है। कितनी बार? अर्थात एक हेल्दी पर्सन एक मिनट में 12 बार ब्रीद लेता है। कितनी बार? एक मिनट में 12 ब्रीद लेता है। जबकि अगर हम पूरे दिन को कैलकुलेट करेंगे तो एक दिन में लगभग 20,000 बार सांस लेता है। द ब्रीदिंग प्रोसेस इज कैरीड आउट बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम, और जो ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है, जो ये सांस लेने की प्रक्रिया होती है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के रूप में कही जाती है। क्या कही जाती है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, अर्थात श्वसन तंत्र के रूप में जाना जाता है सांस लेने की प्रक्रिया। तो आइए जानते हैं श्वसन तंत्र में क्या क्या चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं, कौन कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जो सांस लेने में हमको मदद करते हैं। विच इंक्लूड्स, कौन कौन चीज़ है इसमें, विच इंक्लूड्स क्या है इसमें, है नोज, नाक के द्वारा हम सांस लेते हैं, थ्रोट, गला, वॉइस बॉक्स, विंड पाइप एंड लंग्स। अर्थात हमारा देखिए, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो नाक से होते हुए हमारे थ्रोट में जाता है, फिर हमारे साउंड बॉक्स सॉरी वॉइस बॉक्स में जाता है, फिर विंड पाइप में जाता है जिसको हम ट्रेकिया कहते हैं, और अल्टीमेटली कहाँ तक पहुँच जाता है, लंग्स तक पहुँच जाता है। वी इनहेल्ड एयर थ्रू द नोज आर माउथ, हम ऑक्सीजन को अपने नाक से भी लेते हैं, अपने मुँह के द्वारा से भी ऑक्सीजन को हम अंदर की ओर इनटेक करते हैं, है ना। That meets at a pharynx or a throat, और ये सांस जो है अगर आप नाक से लेते हैं या मुंह से लेते हैं तो दोनों ये जाकर कहाँ मिलते हैं, pharynx में, हमारे गले के पास नीचे आप देखेंगे यहाँ pharynx के स्थान पर ये दोनों आपस में जाकर मिलते हैं। Located at the back of the nose, जो हमारे नाक के पीछे पाए जाते हैं, अर्थात हमारे नाक और मुंह के पीछे का जो स्थान होता है उसको हम pharynx कहते हैं। जब हम नाक के द्वारा या मुंह के द्वारा सांस लेते हैं तो ये दोनों जाकर कहाँ मिलते हैं, यहाँ, अर्थात हमारे मुंह की ओपनिंग और नाक की ओपनिंग दोनों जाकर कहाँ मिलते हैं, pharynx में जाकर मिलते हैं। तो हम ऑक्सीजन दोनों जगह से लेते हैं, नाक से भी लेते हैं और माउथ से भी लेते हैं, है ना। द डायफ्रेम दैट सेपरेट्स द चेस्ट फ्रॉम द एब्डोमेन, जो एक डायफ्रेम होता है, एक प्रकार का मस्कुलर ऑर्गन है, ये डायफ्रेम क्या करता है कि हमारे थोरेक्स पार्ट को, हमारे ऊपर वाले वच भाग को हमारे एब्डोमिनल पार्ट से अलग करता है, अर्थात हमारे पेट को थोरेक्स से, वच से अलग करने का जो एक डिवाइस होता है उसका नाम क्या है, डायफ्रेम। अ डायफ्रेम दैट सेपरेट्स द चेस्ट फ्रॉम द एब्डोमेन, एक डायफ्रेम जो हमारे चेस्ट को एब्डोमेन से अलग करता है, मूव्स अप एंड डाउन व्हेन वी इनहेल एंड एक्सहेल, जब हम सांस को अंदर की ओर लेते हैं और सांस को बाहर की ओर छोड़ते हैं तो वहाँ हमारा डायफ्रेम फंक्शन में आता है, और डायफ्रेम हमारा ऊपर से नीचे होता है, अर्थात ऊपर नीचे होता रहता है, है ना। When we breathe in, जब हम सांस अंदर की ओर लेते हैं, the diaphragm moves downwards to enlarge the chest cavity to fill the maximum air. जब हम सांस अंदर की ओर लेते हैं तो हमारा diaphragm जो होता है वो नीचे की ओर खिसक जाता है, कहाँ जाता है, नीचे की ओर, अर्थात downward जाता है, जिससे हमारे chest cavity का जो volume है वो बढ़ जाता है और maximum area बन जाता है, जिसकी वजह से maximum सांस हमारे अंदर की ओर आ जाता है। एक बार फिर से समझिए, जब हम ऑक्सीजन को अंदर की ओर लेते हैं तो उसमें जो हमारा डायफ्रैग्म है वो नीचे की ओर खिसक जाता है, डाउनवर्ड प्लेस कर जाता है, जिसकी वजह से हमारे चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है और मैक्सिमम एरिया कवर कर जाता है, और इस एरिया को ज़्यादा जगह बन जाने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर की ओर हमारे चला आता है, जिससे हमारा फेफड़ा फूल जाता है। इसको हम इंस्पायरेशन कहते हैं या इन्हेलेशन कहते हैं, है ना। अगर दूसरे एस्पेक्ट्स में हम समझें, व्हेन वी ब्रीद आउट, जब हम सांस बाहर की ओर छोड़ते हैं, अर्थात जिसको हम एक्सहेल करते हैं, सांस बाहर की ओर छोड़ते हैं, द डायफ्रेम मूव अप, तो हमारा डायफ्रेम ऊपर की ओर जाता है। जब डायफ्रेम ऊपर की ओर जाएगा तो फोर्सिंग द चेस्ट कैविटी टू पुश आउट गैसेज इन द लंग्स थ्रू द नोज आर द माउथ, जब हमारा डायफ्रेम ऊपर की ओर शिफ्ट करेगा तो हमारे जो चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम है, जो चेस्ट कैविटी का आयतन घटेगा, अर्थात वहाँ कंप्रेशन हो जाएगा, और कंप्रेशन होने की वजह से फोर्स ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बाहर की ओर चला जाता है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर चला जाता है। तो जब हम इनहेल्ड करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर की ओर जाता है, हमारे चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर कर जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा एयर हमारे अंदर की ओर आ जाता है। और जब हमारा डायफ्रेम ऊपर की ओर शिफ्ट करता है तो हमारा चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम घट जाता है, जिससे वहाँ कंप्रेशन हो जाता है, दबाव बनता है, और उसकी वजह से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बाहर की ओर एक्सहेल आउट हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक।
उम्मीद है बच्चों आज का वीडियो सेगमेंट्स आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत सूटेबल होगा और हम इसी प्रकार के वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में हम आपको पढ़ाएंगे, दोनों में बताएंगे। और आप लोगों का एक और भी क्वेरी है कि सर पीडीएफ दिया करें, तो अब हम प्रत्येक वीडियो सेगमेंट्स के लास्ट में उसका पीडीएफ वहाँ डाउनलोड कर देंगे, आप पीडीएफ भी वहाँ जाकर देख सकते हैं, है ना। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, पीडीएफ देख अब हमारे डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप पीडीएफ उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी प्रकार का कोई सुझाव हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बच्चों एक आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे नए व्यूअर हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों को, जिससे उनकी भी जो समस्या है उसका समाधान हो सके। हम बच्चों अभी आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स दे रहे हैं, बाद में हम आपको प्रैक्टिकल के में भी आपको समझाएं किस प्रकार के हॉस्पिटलिटीज की जाती है, किस प्रकार से फर्स्ट एडर के रूप में आप ट्रीटमेंट करेंगे, इन सब के विषय में हम जानकारी देंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।